मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघबीर अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज धन निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो ऐसे मुक्त देते थे। लेकिन आज गुरु की बाढ़ भी है और शिष्यों की बाढ़ भी है, अपनी शरण में रख भी नहीं पाते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं, सन 74 से सदगुरु राम सूरत साहब की शरण में रहा, 7-8 वर्ष उसके बाद सदगुरु अविनाश साहब की शरण में आया, इलाहाबाद संस्था बने। सन 78 और 89 से सदगुरु अविनाश साहब की शरण में मुझे रहना हुआ, आज तक उनकी शरण में मैं हूँ। इतने वर्षों का जो अनुभव है मुझे अभी भी है, किस प्रकार सदगुरु अविनाश साहब कसौटी कसके हुए देते थे। अगर वे जल्दी साधु भेष देते तो आज 200-400 जरूर हो जाते साधु, लेकिन उनकी कसौटी में कस नहीं कसाए नहीं होते, कस नहीं पाते थे अपने आप को। ऐसे भी साधक जरा सी कुछ प्रतिकूलता हुई बस रास्ता बदल दिया। वही साधक जब आएंगे समाज में तो गुरु की महिमा पर जबरदस्त ढंग से भाषण भी देंगे। 4 महीना गुरु की सेवा भी नहीं की है, समाज की सेवा नहीं की है, घूमते हैं और गुरु की महिमा पर खूब भाषण भी देंगे। कसौटी अपने को कसना है, ये समर्पण दिवस है। हम गुरु की शरण में जब से आए हम अपने को कसना है। पिछले वर्ष हमारे में कौन कौन सा दोष है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, गुरु मिला तब जानिया मिटा शोक संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं सदगुरु आपे आप। अक्सर ये होता है गुरु कैसे होना चाहिए, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा, गुरु की योग्यता कैसी होनी चाहिए, जैसे पूर्णिमा का चांद पूर्ण रूप से खिला होता है, ऐसे ही सदगुरु होंगे वो पूर्ण रूप से आप्त काम निष्काम होना चाहिए। और सदगुरु उन्हीं को कहा जा सकता है जो आप्त काम निष्काम पूर्ण काम, गृहस्थी जाल से वो ऊपर उठा हो, मोह के जाल से ऊपर उठा हो। कबीर साहब ने खुद कसौटी दी है, सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाए, दरिया सो न्यारा रहे दिशे दरिया माए। सदगुरु ऐसा करो, सदगुरु ऐसे होना चाहिए जिसमें लोभ मोह और भ्रम ना हो। धन के प्रति लोभ होता है, जिस गुरु में धन के प्रति लोभ है वह गुरु का ही स्वांग है, धन का लोभ है। सदगुरु कबीर कसौटी देते हैं, सदगुरु अगर आप कहला रहे हो या संत कहला रहे हो तो पहली कसौटी है लोभ, धन के प्रति लोभ होता है। लोभ, लोभ की भावना, पकड़ने की भावना से ऊपर, जो हमें आप चढ़ाते हैं वो हमारा नहीं है। गुरु समझते हैं ये मेरा है, संत समझते हैं मेरा, चाहे मैं जहाँ उड़ाऊँ। बिल्कुल गलत, सज्जनों ने दिया है, समाज ने दिया है, उसको ज्यों की त्यों समाज में लौटाना है, अपना नहीं है, जो कुछ है गुरु का है। लोभ, लोभ की भावना ना हो। मोह, जो कुटुंब परिवार के प्रति मोह रखेगा वो संत कैसा। संत की कसौटी है कुटुंब परिवार के मोह से अलग।
लोभ मोह भ्रम, तीसरी कसौटी भ्रम ना हो। देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका, ये भ्रम ना हो, या अपने मरने का भी भय ना हो। जीवन को वैराग की कसौटी से कस के अपने को रखना, भ्रम बिल्कुल भ्रम से अलग, लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सुनियारा रहे। संसार सागर अर्थात संसार में रहते हुए संसार से अलग, जैसे कबीर साहब ने भी कहा है ना, कमल पत्र है संत जन, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। साहब ने कसौटी दी है, जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए अलग, ऐसे ही संत और गुरु संसार में रहते हुए वो संसार से अलग होते हैं। इसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञ। ये तो गीता में भी बात आई है, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया अर्जुन ने पार्थ ने कि स्थित प्रज्ञ की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। तब प्रश्न किया स्थित प्रज्ञ की जो महापुरुष कैसे होते हैं, तब वह कहा गया कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभाषित किमाशित ब्रजेत। स्थित प्रज्ञ के जो पुरुष हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनके लक्षण क्या है, भाषा लक्षण क्या है, वे कैसे वे चलते हैं ब्रजेत चलते हैं, कैसे वे बैठते हैं और कैसे वे बोलते हैं, ये लाक्षणिक अर्थ है। जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उसके हर क्रियाकलाप से हम प्रेरणा ले सकते हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब, सदगुरु रामसूरत साहेब, सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने का मौका मिला और सदगुरु अभिलाष साहेब के शरण में 40 साल तक लगातार रहने का अवसर मिला, तो उनके खाने में प्रेरणा ले सकते रहें, उनके पीने में, उनके चलने में, उनके बैठने में, उनके बोलने में। हम लोग तो थोड़ा हाथ ही ला देते, वो बैठते थे पत्थर की मूर्ति, घंटों बोलते रहते थे, सिर्फ मुख ही बोलता था, उनके हाथ पांव हिलते नहीं थे। मेरा तो हिल जा रहा है, कमी है। तो उनके हर क्रियाकलाप से हम प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा अगर लेने की हमारी भावना आए तो। दोस्त देखने वाले भी कभी सदगुरु अभिलाष साहब के जमाने में रहे, उनके शिष्य कहे जाने वाले उनके दोस्त देखते थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और प्रत्येक वर्ष और उनके नाम से जयकारा लगाते ही हैं और भंडारा भी करते हैं। जब वो जिंदा रहे तब उसकी बुराई ही करते रहे, आश्चर्य। गुरु भक्ति का यही गुरु भक्ति है। गुरु की योग्यता पर हम भले ही कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गुरु की योग्यता पर हमें कटाक्ष नहीं करना है, शिष्य की जो पात्रता है अपनी कटाक्ष करना है, समर्पण है। ये गुरु पूर्णिमा पिछले वर्ष हमारे में कौन कौन सा अवगुण है रहा है, आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, उसको उस दोष को हम निकालने का प्रयास करें। पहले धन के प्रति लोभ था, अब लोभ मेरे अंदर में घटा कि नहीं घटा। कुटुंब परिवार के प्रति मोह रहा, घटा कि नहीं घटा। अहंकार थोड़ी सी बात को लेकर उबल पड़ता था, अगर वो घटा कि नहीं घटा। मैं बानगी दे रहा हूँ, अगर ऐसा अगर हम कर रहे हैं, केवल साधक और साधुज के लिए नहीं है, आप सब के लिए भी है। हम भक्ति में चल रहे हैं, 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, अब भक्ति तो कर रहे हैं। कबीर साहब ने भक्तों को भी कसौटी दी है, जो तू भक्ति करण को चाहतो है निंदा से न डरियो जी, और 5 छड़ी को सिर पर मारे शहद बने तो सहयो जी। ये साधक और भक्त के लिए भी कसौटी है। सदगुरु शरणे जाई के तामस त्यागी है, ये कबीर साहब की वाणी है।
कबीर साहब तो हर तरफ उनका जो है कुल्हाड़ा चलता है, लहजा वो नहीं करते हैं कि हम साधु हैं तो बस भेष बना लिए बस उतने में पर्याप्त है, ऐसी बात नहीं। साधु की कसौटी है वो अपने विकार को निकालें, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करी अंत, हित उपदेश सुनावें ताको कहिए संत। काम क्रोध मद लोभ को साधन से करी अंत, हित उपदेश सुनावें ताको कहिए संत। आशा तज माया तजे लोभ मोह भ्रम, साहब ने हर तरह से कहा है। और ये भी कहा कि उपासनी सदगुरु ही हो सकते हैं, भगवान से बड़े यदि हैं तो गुरु ही होते हैं, ये तो पूरा काल से चर्चा है। एक उदाहरण याद आया, एक बार देवताओं में चर्चा हुई सबसे बड़े कौन, कहे किसी ने कहा, एक ने कहा सबसे बड़ी धरती माँ है, तो क्योंकि धरती को माँ इसलिए कहा गया, धरती से सब जीव जंतु जन्म लेते हैं, सबकी पैदाइश है, सब का लालन पालन धरती से ही, इसलिए धरती को भी माँ कहा गया। एक देवता ने कहा सबसे बड़ी यदि है तो धरती माँ है, एक ने कहा अगर धरती माँ बड़ी होती तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े होती। अरे गड़बड़ हो गया, हाँ अगर धरती माँ बड़ी होती तो शेष नाग के हाथ में क्यों पड़े होते। एक देवता ने कहा अगर शेष नाग बड़े होते तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े होते। तीसरा देवता ने कहा अगर शंकर जी बड़े होते तो कैलाश पर्वत में क्यों खड़े होते, इसलिए शंकर जी कैलाश पर्वत बड़े। एक देवता ने कहा अगर कैलाश पर्वत बड़े होते तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़े होते, इसलिए हनुमान जी बड़े हैं। एक ने कहा अगर हनुमान जी बड़े होते तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े होते, इसलिए श्री राम जी बड़े हैं। एक देवता ने कहा अगर श्री राम जी अगर बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते। ताली बज गई, सबसे बड़े कौन, वो गुरु है अर्थात सदगुरु है। वैसे गुरु अनेक है, जैसे हमारे द्वारके भाई ने बताए एक एक विषय के जो ज्ञान दे वो सब गुरु है। पहले गुरु तो माता ही पिता है, माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। पहला देवता हमारे ऋषियों ने माँ को माना है, क्योंकि माँ 9 महीना गर्भ में रखती है, पालन करती है, पोसती है, इसलिए माँ पहला देवता है। हमारे ऋषियों ने कहा गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है, उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया, सर्व तीर्थमय माता सर्व देवमय पिता, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ को माँ के चरणों को बताया और सभी देवों में देव पिता को बताया गया। तो गृहस्थी आश्रम में अगर कोई देवता है पूजनीय है तो वह माँ है अथवा पिता है। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा इसलिए होती है, हिंदू परंपरा में लोगों की धारणा है वो सृष्टि रचयिता है, पालन करता है विष्णु, और शिवजी संहार करता है, ये तो काल्पनिक देवता है लेकिन मान्यता है। लेकिन असली गृह रूपी मंदिर में अगर देखा जाए तो हमारे गृह रूपी मंदिर में माता पिता जन्म देते हैं इसलिए वो ब्रह्मा के रूप में है, माता पिता पालते हैं इसलिए वह विष्णु के रूप में है, माता पिता पढ़ा लिखा करके योग्य और योग्य काम में लगाते हैं इसलिए वे शिव के रूप में है। हमारे घर में ही जगदम्बा, घर में ही ब्रह्मा और विष्णु के रूप में है। आज उस माँ बाप की उपेक्षा बढ़ती जा रही है, पश्चात सभ्यता आज हमारी भारतीय परंपरा में भी आ रही है।
आज शिक्षा बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े नगरों में वृद्धा आश्रम बन रहा है, क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। यहाँ बूढ़े माँ बाप की सेवा, जब तक कब्र में ना जाए तब तक उसकी सेवा, ये हमारे यहाँ बताई गई है। लेकिन आज माँ बाप की उपेक्षा बढ़ती जा रही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। आवश्यकता है कि पहला गुरु माता पिता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो सद्गुरु और संत है जो हमें इस संसार सागर से पार लगाते हैं। इसलिए सद्गुरु शालदेव ने कहा, उपकारिन में उपकार गुरु, ज्ञानिन में गुरु ज्ञान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरुसम अन्यन आन। जितने भी उपकार करने वालों में गुरु का उपकार महान उपकार है। आज इस मंच में बैठ के बोल रहे हैं, ये बोलने लायक ना होते, सद्गुरु कबीर इस धरती में ना होते तो आज हम इस बोलने लायक ना होते। उन्होंने मानवता का उन्होंने संदेश दिया। पहले जिनको शूद्र कहे जाने वाले, छोटी जात कहे जाने वाले, वे व्यास गद्दी में बैठ करके भाषण नहीं दिया जा सकता था। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी यहाँ तक कह दिया गया है। जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपत किरात कोल कलवारा, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, यहाँ तक मानस में कह दिया गया। जो मानस में हमें गाली दी है, आज वही लोग उनकी पूजा भी करते हैं। कबीर साहब मानवता के उन नायक और मसीहा थे जो हम लोगों को ऊपर उठाने का उनका संदेश था। उन्होंने मंदिर में जाने का हम लोगों का इजाज़त दिलवाए और धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए इजाज़त दिलावे। आज ऐसे मसीहा, ऐसे जो संदेश देने वाले सद्गुरु कबीर हैं, आज हम उनके अनुगामी हैं, आज उनके हम सेवक, उनके भक्त हैं। उनके संदेश का आत्मसात हम करें और उनका संदेश को हम अपने जीवन में उतारें और नई पीढ़ी को जोड़ें। आप लोग इसी बीच में देखो, नई पीढ़ी नहीं है, पुरानी पीढ़ी है। मैं भी इस गुरु की शरण में, मेरी उम्र हो रही है 69 साल, 69 साल में देखते आ रहा हूँ तो नई पीढ़ी कमज़ोर पड़ रही है। अब लोग कहते हैं साधु महात्मा का दोष है, साधु महात्मा तो निर्वंशी, वो कहाँ से वो वंश लाएंगे? आप लोग पैदा करें, हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी आ नहीं रही है। लोग यही कहते हैं कि इसमें किनका दोष है। श्री धर्मेंद्र साहब कहा करते थे, एक ने ऐसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, देखो इसमें 5,000 लोग हैं इतनी बड़ी सभा में, आप लोग अपने अपने बच्चे को कौन लाए हैं? 20 साल 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे एक भी तो नहीं है। कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चे को कहे होंगे जाओ सत्संग में, हम लोग घर रखेंगे? हाथ उठाओ, किसी ने नहीं उठा पाए। इसलिए नई पीढ़ी को हम जोड़ें।